आप क्या रिश्ता तोड़ेंगी? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ आपका बेटे का मेरी बेटी से। क्योंकि आप इस लायक नहीं कि मेरी बेटी आपके घर पर बहू बनकर जा सके। नहीं दे रही मुझे अपनी बेटी, मैं ये रिश्ता इसी वक्त तोड़ती हूँ। आप लेकर आई थी ना ये रिश्ता अपनी तरफ से, मैं तोड़ती हूँ अपनी तरफ से रिश्ता। जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। चल बेटा। बाबा आपने मुझसे कहा था ना कि इम्तिहान की हर मुश्किल घड़ी में आप मेरा साथ देंगे। आज आपने वो बात साबित कर दी। थैंक्स फॉर बीइंग देयर बाबा। अपना ख्याल रखना। अरे बांबू लाई क्या? हाँ मैडम लाई ना, ये देखिए तैयार करके लाई। अरे वाह मेरी सुंदरी, कितनी होशियार है। सिल्क का कपड़ा? हाँ वो भी लाई। एक कलर छोटा ये, ए वो छोटा कलर ये रहा। हार हार हल्दी कुमकुम ये रहा, ये देखिए। अरे वाह लाके सब ढक के रखा है। आजी ये क्या कर रही हो? आज कुछ खास है घर में? ये देख, आज कुछ खास है पूछ रही है। मेरी गलती है ना, बचपन से इनको सिखाया ना मैंने त्योहार के बारे में। ये पूछ रही है और वो तेजू वहाँ ये दिन भूल गई है। चले बांध दे। अच्छा मुझे याद आ गया, आज गुड़ी पड़वा है राइट? वाह 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 वा, ये मेरे होशियार पोती, उसको मालूम है। हाँ ये बांध, चल जल्दी जल्दी कर। अभी देख तेरे आजोबा आने तक मेरे साथ प्रार्थना करने चल। एक्चुअली आजी मुझे ना अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, तो वो तो मेरा तब से वेट कर रही है, तब से उसके मैसेजेस भी आ रहे, तो मैं जाऊं? जा 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 जा। ओके बाय। तेरी फ्रेंड तेरा इंतजार कर रही है, तेजू वहाँ टूर्नामेंट खेलने में बिजी है, वो बुढ़ा गया है। कहाँ गया बुद्धि लगाने मालूम नहीं। अभी मैं अकेली करूँ क्या पूजा? कोई नहीं मेरे साथ। मैडम मैं हूँ ना, इससे उछलने की जरूरत है, मैं आई हूँ ना। तुझे पूछा किसने, बोला उतना काम कर। आई बड़ी, चल ये छोड़, पहले तेजू को फोन लगाओ। तेजू को? हाँ। अरे वो उसको बोलूंगी ना लंदन से आते समय वो मेरा फेस लाफिंग का मशीन लाने। हाँ हाँ जाती। चल 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 फोन कर, ये सब करेंगे बाद में, पैदा चल जल्दी आ। आने ये गिल कपूर बाबा, चल 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 फोन लगा, याद है ना नंबर? मैडम रिंग जा रही, कोई उठा नहीं रहा है। फिर से रिपीट कर। मैडम नहीं उठ रहा। नहीं उठ रहा, लैंडलाइन पे कर। एक डायरी में नंबर होगा, देख ऑर्गेनाइजर है ना उससे पूछ, तेजू कहाँ है? फोन उठा नहीं रही है, क्या करती क्या मालूम। हेलो। हाय
हेलो हेलो बोलिए हेलो मैं सविता देशमुख बोल रही हूँ फ्रॉम कैनेडा। वहाँ पे वो तेजू देशमुख है ना मेरी पोती, टूर्नामेंट खेलने आई है, वो कहाँ है इस वक्त? मैम आपकी पोती कौन से बैच में थी? अरे गए महीने गई थी वो लंदन टूर्नामेंट खेलने के लिए, जीत गई है देखो। अच्छा अच्छा, आप कनाडा से डिस्पैच्ड हुई लेटेस्ट बैच के बारे में बात कर रही हैं? हाँ। टूर्नामेंट जीता जरूर है लेकिन लंदन में नहीं, इंडिया में, क्योंकि फिलहाल वो मैचेस वहाँ हो रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने उसके साथ लंदन में 3-4 बार फोन पे बात की है। नहीं मैम, लगता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी टीम तो इंडिया गई हुई है, वहाँ मुंबई में हमारे टूर्नामेंट थे। इसका मतलब तेजू लंदन में नहीं इंडिया में है? नहीं नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, तेजू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। क्या हुआ अर्जुन, अंदर जो हुआ उसकी वजह से डिस्टर्ब्ड हो? आई नो ऐसे इंसिडेंट्स तुम्हारे लिए नए हैं, बट डोंट वरी, जो होता है अच्छा ही होता है। मैं तो खुश हूं ये सोचकर कि पूर्वी का रिश्ता ऐसे। ये सब मेरी वजह से हुआ अंकल, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ मी। अंकल मैं उसे जॉब से निकालने पे मजबूर कर रहा था, ये सब मेरी वजह से हो रहा है अंकल। नहीं अर्जुन, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, यहां सवाल पूर्वी के जॉबलेस होने का है ही नहीं। पूर्वी तो टैलेंटेड है, आज नहीं तो कल उसे दूसरी जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन यहां सवाल है उन लोगों की नियत का, उनके लालची स्वभाव का। उन लोगों ने यह रिश्ता पूर्वी की तरफ देखकर नहीं जोड़ा था, उन लोगों ने यह रिश्ता पूर्वी की सैलरी की तरफ देखकर जोड़ा था, और जब उन्हें यह सैलरी जाती हुई नजर आई उन्होंने यह रिश्ता तोड़ दिया। उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ओके टेक केयर, आई विल सी यू। या मेम साहब, आपकी चाय। क्या छोटू, क्या तू मुझे सीधी सादी फीकी सी चाय पिला रहा है? एक काम कर, मेरे लिए स्पेशल मसाला चाय लेके आ, ये ले। इतने सारे मिस कॉल्स, ओहो ये तो पूर्वी और आजी के हैं। आई एम सो सॉरी पूर्वी, लेकिन मैं चाहते हुए भी तेरी एंगेजमेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि वहां तेरे बड़े बॉस मतलब मेरे बाबा भी होंगे, और अगर उन्होंने मुझे वहां देख लिया तो गजब हो जाएगा। हेलो आजी। हेलो बाजू में रख, मुझे पहले बता तू कहाँ गई थी, कब से फोन कर रही हूँ और तू उठा ही नहीं रही है, कहाँ गई थी? वो आजी क्या है ना, यहाँ बाहर बहुत शोर है तो इसीलिए सेल की रिंग सुनाई नहीं दी थी। अच्छा बेटा, तेरा यूरोप टूर कैसा चल रहा है? अरे आजी बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। अब तू इस वक्त कहाँ है बेटा? आजी मैं बाहर हूँ, यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, बस बहुत सारे लोग हैं, यहीं पे ही हूँ। हाँ बेटा, वो शोर से पता चल रहा है तू कहाँ है, मतलब वहाँ बहुत भीड़ है वो, लेकिन उस जगह का नाम तो होगा कि नहीं? जगह का नाम, जगह का नाम आजी वो ज़ुरिक सर्कल। अरे मैम साहब 500 का छुट्टा नहीं है। टैक्सी खाली है। हेलो आजी। हेलो बेटा। आजी मैं फोन रखती हूँ, मुझे कहीं जाना है। क्या बोली तू? आजी मैं कह रही हूँ कि मैं फोन रखती हूँ अभी, मुझे कहीं जाना है। 10 रुपए का है। है हेलो आजी मैं फोन रखती हूँ, बाय। सिंग ले लो, सिंग 10 रुपए का, सिंग ले लो, सिंग ले लो। लंदन में किंग सर्कल? अरे ये तो मुंबई में है बेटा। गलत सुना आजी तूने, किंग सर्कल नहीं,
किंग क्रॉस स्टेशन है। तो मुझे यकीन हो गया कि तेजू इंडिया में ही है। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इतना मना करने के बावजूद भी तेजू वहां चली गई। पापा, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेरी तेजू को उस अर्चना की साए से भी दूर रखना। आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ आपका बेटे का मेरी बेटी से, क्योंकि आप इस लायक नहीं कि मेरी बेटी आपके घर पर बहू बनकर जा सके। नहीं दे रही मुझे अपनी बेटी, मैं तोड़ती हूँ अपनी तरफ से रिश्ता। चाहिए यहाँ से। बाबा आपने मुझसे कहा था ना कि इम्तिहान की हर मुश्किल घड़ी में आप मेरा साथ देंगे। आज आपने वो बात साबित कर दी। क्या हुआ सर? पता नहीं गाड़ी अचानक कैसे बंद पड़ गई। सर आप यहीं रुकिए, मैं जरा नीचे देख के आता हूं। क्या हुआ आनंद? सर लगता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मैकेनिक को बुलाकर प्रॉपर रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। सर आप एक काम कीजिए ना, तब तक आप टैक्सी लेकर घर चले जाइए। अरे लेकिन मैं देख लूंगा तो कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे मालूम है कि आप गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे होते हुए आप ये सब करें अच्छा नहीं लगता। आखिर आप मेरे बॉस हैं सर। अरे बॉस हूँ तो क्या हुआ, लेकिन गाड़ी तो ठीक करवानी पड़ेगी ना। आप चले जाइए, मैं आपके लिए टैक्सी रुकवाता हूँ। ये मैं इसे हैंडल कर लूंगा सर। नहीं अरे सर, लेकिन मैं रुकवाता हूँ, प्लीज सर। टैक्सी टैक्सी। हेलो दादा। हाँ वंदु, कहाँ है आप? अरे नहीं बस मैं घर ही आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है। जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जल्दी। एक मिनट, टैक्सी टैक्सी रुकिए। सर आइए। हाँ टैक्सी मिल गई मुझे, बस टैक्सी में बैठ गया हूँ, घर आ रहा हूँ। कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पे आ पाऊंगा या नहीं। फिर भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद मेरी एंगेजमेंट में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। यू लुक वेरी प्रीटी। तुम 15 महीनों तक इस कंपनी में टिक के दिखा और मैं तुम्हें 15 दिन में इस कंपनी से बाहर निकाल के दिखा दूंगा। दुनिया की नजरों में अच्छी बहू बनने के लायक है, पता है क्यों? ये काम करती, ये जॉब करती, ये पैसे कमाना जानती, लेकिन जिस दिन किसी वजह से उसने अगर जॉब छोड़ दी तो वो एक नालायक बहू कहलाएगी। हम अब भी आज इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ते हैं। आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ आपका बेटे का मेरी बेटी से, अरे मैं आपको बताना भूल गया, आनंद निवास चौल जाना है। रास्ता तो जानते हैं ना आप दादा? जी जी सर।
अरे अरे यहाँ कहाँ से टर्न ले रहे हैं आप? आनंद निवास चौल के लिए तो आगे से राइट टर्न लेना है। I'm sorry, sir. लगता है नया नया टैक्सी चलाना शुरू किया है। जी 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 सर। आई का फोन। हाँ आई बोल। अरे माना मुझे ना तेरे साथ एक जरूरी बात करनी थी बेटा, तेजू के बारे में। तेजू के बारे में? हाँ आई, तेजू के बारे में क्या बात करनी तुझे? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तेजू हमें जो बोल के गई है लंदन, लेकिन वो लंदन के बजाय मुझे लगता है वो जरूर इंडिया में ही है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है आई? वो तो अपने टूर्नामेंट्स के लिए लंदन गई है ना। देख मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद इंडिया में ही है। तो बेटा इंडिया में है ना, तो जरा तेजू का पता करना और कुछ मालूम होता है तुरंत मुझे फोन कर। शायद तू ठीक कह रही है। अब तू कह रही है तो मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ एक मॉल में बिल्कुल तेजू जैसी लड़की को देखा था। फिर मैंने तुरंत उसे फोन भी किया था। उसने मुझसे कहा कि वो लंदन में है। इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे ही गलतफहमी हुई है और मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। नहीं नहीं बेटा, मुझे ना इसमें कुछ जरूर गड़बड़ नजर आ रही है, जरा देखना। तू फिक्र मत कर, मैं तेजू के बारे में सब कुछ पता करके तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, फोन क्यों नहीं उठा रही है? बस 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 यहीं रोक दो। कितना हुआ? 150। ये लो। कितना हुआ? 150। वाओ बाबा, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग। तेजू ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ऐसी सेम रिंग मेरे पास भी है। क्या बाबा, हम दोनों को सेम रिंग? और मैं क्या करता, और तेजू वो भी, मुझे ये गहने वहने और इनकी डिजाइन के बारे में कुछ पता है नहीं। मुझे ये डिजाइन अच्छी लगी इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए यही डिजाइन वाली अंगूठी ले आया। ये तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट है। क्या हुआ अभी? तुझे ये गिफ्ट पसंद नहीं है? नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छी रिंग है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। तेजू? कहीं ये तेजू तो नहीं थी? God, change, 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 जल्दी change, green हो जा, green हो जा, green हो जा, green हो जा, green हो जा।